आपने लोगों का बिग मैजिक में स्वागत है। हंसल साहब ये बताइए कि आप हमेशा से डिफिकल्ट टॉपिक कैसे चुन लेते हैं और रिस्क नहीं लगता है कि मैंने क्या टॉपिक चुन लिया है, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? मुझे लग रहा है ये टॉपिक्स मुझे चुनते हैं तो मैं तो बस हमेशा उन लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं जिनकी आवाज़ हमने सुनना बंद कर दिया है, जिनको देखना हमने बंद कर दिया है। तो ये टॉपिक्स मेरे दिल को छूते हैं तो मैं यही कोशिश करता रहता हूं कि भाई जो मेरे दिल को छूता है वो मतलब दुनिया के दिल को छूए, और इस कहानी में मुझे वो मिला। क्या है मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक है, किस रोशनी किस जगह में आप देखिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये कोई ऐसी सोशल एजेंडा वाली फिल्म नहीं है, लेकिन ये एक लव स्टोरी है जिस उन लोगों की जिनको हमने देखना बंद कर दिया, जो माइग्रेंट्स हैं। हर शहर में बहुत बड़ी मात्रा में माइग्रेंट्स होते हैं लेकिन हम उनको देखते नहीं, हम अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं, हम चले जाते हैं अपने घर के एयर कंडीशन कम्फर्ट में, हम लोग निश्चिंत रहते हैं। लेकिन जब हमारी गाड़ी गुजर रही है उन रास्तों से तो कहीं पर कोने में एक परिवार बैठा हुआ है, बारिश से भीग रहे हैं वो लोग, ठंड में कांप रहे हैं वो लोग, गर्मी में वो लोग सूख रहे हैं, लेकिन हम देखते नहीं उनको। वो मतलब एक नज़र हम तक पहुँचाते हैं कि शायद ये हमारी कोई मदद कर दे, लेकिन उनकी भी अपनी कहानी है, जैसी मेरी कहानी है, जैसे राजकुमार की कहानी, हम सबकी कहानी है। उनकी ज़िंदगी में प्यार है, उनकी ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं और उनकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हम उनको देखते नहीं है। हम हेलीकॉप्टर से उतरने वालों की ज़िंदगी में देखते रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, उनमें बनावटी कॉन्फ्लिक्ट बनाते हैं। यहाँ मतलब कहानी हमारे सामने जब गढ़ती है हम उनको देखते नहीं है। तो ये सिटी लाइट्स वही कोशिश है ऐसी एक कहानी कहने का। जो किसी से मिले थे आप या किसी की कहानी आपको छू गई? ये हर उस इंसान की कहानी है, जो हम सबकी कहानी है। ये मेरी अपनी कहानी है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, और मैं अगर इस सिचुएशन में अगर फंस जाऊंगा जिसमें राजकुमार का कैरेक्टर दीपक फंसा हुआ है सिटी लाइट्स में, तो मैं यही करूंगा जो दीपक करता है, मैं यही अपने परिवार के लिए ये ज़रूर करूंगा। तो आप ऐसे टॉपिक के लिए राजकुमार को कैसे चुनते हैं? लगता है कि क्योंकि राजकुमार ने तो अपनी काबिलियत बता ही दी है, उनकी इंटेलिजेंस सभी के सामने है, उनके जो परफॉर्म करते हैं, तो आपके लिए हमेशा राजकुमार प्रेफरेंस रहते हैं? वो इस फिल्म में तो राजकुमार ने मुझे चुना राजकुमार ने मेरा नाम रेकमेंड किया था भट्ट साहब को, जब इससे पहले जो डायरेक्टर साइन थे उनके साथ कुछ बात नहीं बनी तो राजकुमार ने मेरा नाम सजेस्ट किया था कि आप इनसे मिलिए। तो लेकिन मेरे लिए मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जीते जी मेरे कैरियर के इस दौर में मुझे राजकुमार मिला, एक मोड़ था ज़िंदगी का जिसमें मुझे राजकुमार मिला। सर मैं भी उतना ही खुशकिस्मत बिल्कुल तो उस मोड़ पे मुझे ऐसा एक्टर मिल गया जो आप एक सोचते हो फिल्म को लेकर, आपका एक विजन होता है जिसको आप विजन कहते हो कि आप सोचते हो कि मेरी फिल्म ऐसी बनेगी और इतना रियल होगा, ये सारी चीज़ें ऐसी गढ़ेगी लोगों के सामने, और उससे तीन गुना ज़्यादा बेहतर कोई मुझे आउटपुट दे। तो ऐसा एक्टर मतलब उससे ज़्यादा डायरेक्टर क्या चाहता है, डायरेक्टर का ग्रीड इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। और राजकुमार आप बताएं कि नेशनल अवार्ड आपको मिल गया है, हमेशा जिस फिल्म में आप रहे हो आपकी तारीफ हुई है, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है? सब लोग नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं नहीं महसूस करता हूँ जब मैं काम कर रहा होता हूँ। जैसे अभी हम दोनों को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, पर उससे ये नहीं हो गया कि अब हमारी काम करने का स्टाइल तरीका बदल जाएगा। जो ऑनेस्टी है काम के प्रति वो तो उतनी ही रहेगी, और जब आप काम कर रहे होते तो आप ये सब नहीं सोचते हो कि मुझे लोगों को कुछ प्रूव करना है या फिर इस फिल्म में तो अवार्ड मिलना ही चाहिए। आप बस उस मोमेंट में उस सीन को ईमानदारी से निभाना चाहते हो, करना चाहते हो, उसके बाद जो सब भी आता है, लोगों को अगर काम पसंद आता है तो आपको अच्छा महसूस होता है, पर उस सीन करते वक्त फिल्म बनाते वक्त आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो। तो जब सिटी लाइट आपके सामने आई थी तो किस तरह सा क्या था उस वक्त, किस तरह की कॉन्क्रीट चीजें हुई थी? भट्ट साहब ने मुझे बुलाया था सिटी लाइट्स के लिए, जो पहले डायरेक्टर थे वो चाहते थे कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनूं, और तो फिर शाहिद देखी उसी दौरान भट्ट साहब ने, सब लोगों ने ऑफिस में, यहाँ विशेष के ऑफिस में, उन लोगों को बहुत पसंद आई। फिर कुछ ऐसा रहा कि उस डायरेक्टर से सर ने बताया बात नहीं बन पाई,
तो डायरेक्टर नहीं था उस वक्त हमारे पास फिल्म के लिए, तो फिर मैंने कहा कि आई थिंक हंसा सर से अच्छा कोई डायरेक्ट नहीं कर पाएगा इस फिल्म को, और भट्ट साहब ने मेरी बात से एग्री किया। फिर फाइनली आई थिंक हंसा सर आए, उनकी मीटिंग हुई और सब कुछ हो गया, और फिल्म बहुत अच्छी थी। मतलब जो कहानी मैंने सुनी थी वो बहुत ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, बहुत ही टचिंग, बहुत ही मूविंग स्टोरी है, और हम दोनों एक दूसरे के पहले से जानते हैं, साथ में काम किया है, तो आई थिंक बहुत ईजी है एक दूसरे के साथ काम करना, हमारे लिए मज़ा आता है, एक बहुत ही स्पेशल बॉन्डिंग है हमारी। तो आई थिंक जब सर बोर्ड ऑन बोर्ड आ गए तो आई थिंक मुझे लगा कि अब तो इट्स लाइक यू नो अगेन मीटिंग योर फादर एंड वर्किंग ऑन द सेट टुगेदर। मतलब एक कंफर्ट लेवल भी हो जाता है कि जितने कंफर्टेबल आप हैं और ये आपसे निकाल पाते हैं आपकी चीज़ों को। बहुत कम डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो एक एक्टर से उतनी खूबी से चीज़ें निकाल जी, पाते जी, जी. हैं, तो उस क्वालिटी ने आपको इंटीग्रेट किया। हाँ बिल्कुल, जैसा जब हमने शाहिद शुरू की थी तो मैंने सर का काम पहले देखा था, पर हमने कभी साथ में काम नहीं किया था। तो जो सर ने जो मुझे फ्रीडम दिया एज एन एक्टर, ऑफ कोर्स उनकी गाइडेंस रही हमेशा, हमने कैरेक्टर पे काफ़ी काम किया, और सर ने जिस तरह का माहौल बनाया सेट पे, वो ऐसा था कि आई थिंक कोई भी अगर समझदार एक्टर है तो परफॉर्म करेगा। तो आई थिंक उनका पूरा क्रेडिट जो है सर को जाता है, जैसा वो सेट पे एक एनवायरमेंट बना के रखते हैं आपके लिए, अपने एक्टर्स को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखते हैं वो, और काफ़ी फेथ है उनका अपने एक्टर्स पे, जो आई थिंक हमारी हमको काफ़ी मोटिवेट करता है परफॉर्म करने के लिए एज एन एक्टर। अगर हम विशेष फिल्म की बात करें तो ये स्टार्स बनाते हैं, रातों रात स्टार्स बन जाते हैं, तो लगता है खैर आप तो बने ही हो, लेकिन इससे फ़ायदा होगा आपको? देखिए मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि किससे फ़ायदा होगा या किससे नुकसान होगा। अगर एक एक स्क्रिप्ट पर विश्वास है आपका, आप अपने कुछ जिंदगी के कुछ महीने उस स्क्रिप्ट को देना चाहते हैं, तो बस मैं वही करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं सोचना चाहता कि ये वो फिल्म है जो मुझे यहाँ पहुँचा देगी या ये मुझे अवार्ड दिलाएगी या ये 100 करोड़ कमाएगी। मैं ज़्यादा डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं बस उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ, और अगर उसमें मज़ा आ रहा है करने में प्रोसेस में, तो उससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ से नहीं मिलती है। अच्छा, सिटी की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आकर्षित करती है, खासकर अगर मुंबई शहर की बात करें? आई थिंक मुंबई की जो स्पीड है, मुंबई आपको बहुत फ्रीडम देता है, मुंबई आपको आई थिंक बहुत इंडिपेंडेंट बना देता है। जैसे अब मैं आई डोंट थिंक मैं मुंबई छोड़ के इंडिया में किसी और सिटी में रह पाऊंगा, मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, कोई गांव अलग हो कहीं पीसफुल तो वहाँ तो मैं रह सकता हूँ। तो आई थिंक मुंबई बहुत आपको अपना लेता है, बहुत जल्दी अपना लेता है। तो मुंबई के अलावा कोई ऐसी जगह जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद? मुझे एम्स्टरडम बहुत पसंद है, मुझे प्राग बहुत पसंद है। चलें सर, प्राग आई थिंक प्राग बहुत पसंद है। हाँ, स्टुटगार्ट। हाँ, नेक्स्ट फिल्म आई थिंक हाँ वही बना लेते हैं। साइलेंट फिल्म। ओके, पत्र लेखा नाम ही एकदम यूनिक नाम है, और जिस तरह से हमने थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स देखी है, तो पहली फिल्म में इतना बेहतर परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, कितना आपका सपोर्ट रहा और हंसल सर आपका? आई थिंक सर जवाब देंगे, मेरा तो क्या सपोर्ट नहीं, एक आई थिंक मेरा कोई योगदान नहीं है उनकी परफॉर्मेंस में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि जब अच्छे एक्टर आ जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज वो इतना कुछ बहुत ही खूबसूरत कर रहे होते हैं आपके सामने कि जो भी आप करते हैं वो बहुत नेचुरली रिएक्ट करते हैं आप उन चीज़ों पर। तो आई थिंक आई बीन जस्ट लकी कि यू नो शाहिद में भी इतने कमाल के को एक्टर रहे मेरे साथ, और सिटलेट्स में भी वो सिलसिला जारी है। वही है मजा उसी में है कि जो इनोसेंस एक बच्चे में होता है ना, वो हम में नहीं है। तो पत्रलेखा में एक इनोसेंस था कि वो कुछ बैगेज लेकर नहीं आई थी कि मैं बहुत महान एक्ट्रेस हूँ, मैंने 15 साल थिएटर किया है और मैं आपको अपनी काबिलियत दिखाना चाहती हूँ। ना ही वो ये लेकर आई थी कि मैं मिस इंडिया हूँ और मैं मतलब बहुत अपने आप को मतलब राखी के रोल में भी मैं रैंप वॉक करूँगी, ना ही वो प्रेशर था, ना ग्लैमर का प्रेशर, ना परफॉर्मेंस का प्रेशर। वो सिर्फ उस मोमेंट में जीना चाहती थी, और वो मुझे लगता है कि उसकी अपब्रिंगिंग, क्योंकि मेरे लिए ना एक्टर या तो आपकी एक ट्रेनिंग होती है या तो आपकी अपब्रिंगिंग होती है, तो मुझे लगता है कि पत्रलेखा की अपब्रिंगिंग, वो बहुत इंडिपेंडेंट लड़की है, वो एक बहुत अच्छे घर से आती है, वो एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, तो मुझे उन चीज़ों ने आकर्षित किया। मुझे लगा कि इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंट लड़की से वो इस रोल को के बारे में सोचेगी और उस मोमेंट पर रिएक्ट करेगी, और एक साथ साथ इनोसेंस था कि जो थिएटर के बैकग्राउंड से नहीं थी, उस बड़े एक्टिंग का भार लेकर नहीं आई थी अपने
ऊपर वो, तो वो उस मोमेंट पे रिस्पॉन्ड करती थी, था मतलब उसके साथ राजकुमार के साथ काम करने का तरीका और पत्रलेखा के साथ काम करने का तरीका मुझे थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लाना पड़ा, लेकिन वो डायरेक्टर का काम होता है, मैं मतलब बाकी करता क्या हूँ, काम मेरे औजार मेरे एक्टर्स हैं कि मेरी बात उनके ज़रिए कही जाती है, तो मुझे उनसे काम करवाने का एक तरीका ढूंढना पड़ता है। तो पत्र लिखा तो ये था कि जैसे मैं अपनी बच्ची से काम करवा रहा था, ये था। किस तरह से उनकी ऑडिशंस हुई थी, राजकुमार के जरिए आए थे वो आपके पास? नहीं, वो कास्टिंग डायरेक्टर हमारे हैं विनोद रावत, उन्होंने ऑडिशंस पहले जो प्रीवियस डायरेक्टर थे उनके लिए ऑडिशंस की थी, पत्रलेखा की ऑडिशन कहीं पर उनके हार्ड डिस्क पे छुपी हुई थी, तो मुझे उन्होंने सारे ऑडिशंस दिखाए पहले कि भाई ये इन लोगों को ऑडिशंस किया, तो मैंने उनमें से 3-4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, बोला उनसे दोबारा ऑडिशन करवाओ इस तरह से, तो वो ऑडिशंस देखे, फिर उन ऑडिशंस उन एक्टर्स को मैंने दोबारा मैंने डायरेक्ट किया कुछ ऑडिशंस को, तो और उन ऑडिशंस में राजकुमार भी शामिल थे कि मुझे देखना था कि वो साथ में एक परिवार के रूप में कैसे लगते थे, राजकुमार भी थे एक्ट्रेस भी थी और बच्ची भी थी, तो मुझे देखना था कि एज अ फैमिली यूनिट ये लोग कैसे लगते थे और एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते थे, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और इम्प्रोवाइज किस तरह से करते हैं आपस में सीन्स, वो सीन्स लिखित सीन्स से मुझे थोड़ी सी एलर्जी है कि लिखा हुआ है मतलब एकदम ही यही बोलना और यहीं पर रुकना और इसके बाद यही कहना, उससे मुझे तकलीफ है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग नहीं चल रहा है, आप सिर्फ एक तोते की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। इतना ज्यादा क्या है, हम लोग बहुत बड़ा चढ़ा के इन चीजों को करते हैं, ये हमारा काम है, मैं डायरेक्टर हूँ ये एक्टर है, तो अगर हमें मतलब अच्छे से ईमानदारी से काम करना है तो ये करना ही पड़ेगा, मतलब आपने बॉडी बना ली तो मतलब आपने हिंदुस्तान को बदल नहीं दिया, उसे आपने आपका काम किया है, अगर आपने वज़न कम किया है तो मतलब बहुत बार मुझे लोग पूछते हैं राजकुमार ने 8 किलो कम कर दिए, मैं बोला उसमें कोई बड़ा काम नहीं किया, उसको करना था, उसका कैरेक्टर था वो, तो उसके लिए जो ज़रूरी है वो आपको करना पड़ता है, वो उसमें मतलब कोई आपने वो नहीं कर दिया आपने, मतलब वो जो क्या कहते हैं हनुमान जी ने जो पर्वत उठा पहाड़ उठा लिया था वैसा कुछ नहीं किया आपने, तो मेरा मानना है एज ए डायरेक्टर भी मेरा यही काम है, हमारी फिल्मों में प्रॉब्लम ये होता है कि कहानियों की कमी है, हम हमेशा रोते रहते हैं कि कहानियत नहीं है, कहानियों की कमी है, क्योंकि हम जिंदगी में झांकते ही नहीं हैं, हम मतलब हॉलीवुड फिल्म में झांकते हैं और मतलब उनकी कहानियों को हम रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी कहानियों में अपनी अपने दिलों में कभी झांकने की कोशिश नहीं करते, तो ये कहानी कहीं ना कहीं हालांकि एक फिलिपिनो फिल्म है मेट्रो मनीला जहाँ से उत्पन्न हुई है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स और ये सारी चीज़ें शायद हमारे दिलों से ही उत्पन्न हुए हैं। आपको रियल फिल्में करने में कितना इंटरेस्ट है, रियल कैरेक्टर्स को जीना? मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं कोई सुपर हीरो हूँ नहीं, मैं भी एक रियल इंसान हूँ, एक आम आदमी हूँ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब कोई रियल कैरेक्टर आता है और उसको मैं कितना बिलीवेबल और कितना नेचुरली प्रोजेक्ट कर सकता हूँ स्क्रीन पे, तो मुझे इस प्रोसेस में बहुत मज़ा आता है। इसके बाद और कौन-कौन से आपके प्रोजेक्ट हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? इसके बाद अभी तो डॉली की डोली है जिसका शूट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, फिर राजकुमार गुप्ता की फिल्म है रेवोल्यूशन 2020, फिर हम जहाँ भी इस तरह के टफ कैरेक्टर हो हमेशा लोगों को राजकुमार याद आएगा। पता नहीं, पूछिए मेरे को, तो मुझे बहुत मज़ा आता है अपने आप को चैलेंज करने में एज एन एक्टर, कि मैं हर कैरेक्टर को कुछ अलग कर सकूं, कुछ अलग दिखा सकूं, यही कोशिश रहती है। आप एक्टर में ज्यादा बिलीव करते हैं सुपरस्टार, कहते हैं कि एक परफॉर्मेंस होता है, सुपरस्टार होता है, जैसे हम शाहरुख खान सबको सुपरस्टार्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, आप क्या प्रेफर करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक्टर ही होना पड़ेगा आपको, आई थिंक सुपरस्टार एक्टर के बाद ही बनते हो आप, तो आई थिंक अभी तो कोशिश है कि एक अच्छा एक्टर ही बन जाए, उसके बाद जितने मर्जी स्टार बनने हैं वो बनते रहेंगे। सिटी लाइट से क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि मतलब हमने बहुत ईमानदारी से फिल्म बनाई है और बहुत जिन लोगों ने फिल्म देखी है सबको बहुत पसंद आ रही है, सबके दिल को कहीं ना कहीं छू रही है फिल्म, तो उम्मीद यही है कि जो लोग भी देखेंगे, और म्यूज़िक बहुत अच्छा है फिल्म में, फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, तो जो भी जो लोग देखेंगे उनको हमारी ईमानदारी, हमारा जो प्यार है फिल्म के लिए, वो फिल्म पर जरूर देखेगा। थैंक यू।
बिल्कुल राजकुमार, आप तो लोगों के फेवरेट बनते जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है फायदा तो जरूर होगा। थैंक यू सो मच। और एक एक आइडिया हो जाए आप लोगों के yes, फिल्म yes. के बारे में कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप ऑडियंस को या वेल हमारी फिल्म आ रही है 30 मई को सिटी लाइट्स, और ट्रेलर्स तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, और आई एम श्योर आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है आपकी जिंदगी के 2 घंटे आप किसी अच्छी चीज पे दे सकते हैं, तो आइए 30 मई को सिटी लाइट्स है सिनेमा घर में। एक ये बोलना, कहीं हो सकता है ये आपकी कहानी हो, आपसे खुद को रिलेट कर सकें। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं हो पाया एक्चुअली, सबकी कहानी एक कॉलेज के लड़की की कहानी नहीं आती कितना बहुत है। 30 मई को रिलीज हो रही है सिटी लाइट्स, और उसके 2 कारण है देखने के लिए। एक तो इसमें आपकी अपनी कहानी या आपके पड़ोसी की कहानी या आपके इर्द गिर्द जो लोग घूमते हैं उनकी कहानी है इसमें, तो देखिए ज़रूर। और दूसरा ये है कि महेश भट्ट जख्म के बाद अगर किसी फिल्म को अपने पूरे दिल से बैक कर रहे हैं तो ये सिटी लाइट्स है, और महेश भट्ट के कन्विक्शन के लिए देखिए आप। एक महेश भट्ट जो आप जिनको आप जानते थे, जिनको आप प्यार करते थे, उनकी कन्विक्शन दोबारा लौटते हुए आप देखिए 30 मई को। थैंक्स सो मच। एक मुझे 2 आइडिया दिए, एक हमारा बिग मैजिक बिहार झारखंड है और एक बिग मैजिक। तो आप मुझे देख रहे हैं बिग मैजिक बिहार झारखंड, बिहार झारखंड सभी लोगों को। सभी लोगों को क्या आप देख रहे हैं? आई मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं बिग मैजिक बिहार झारखंड। अच्छा पकड़ना है मुझे कैसे कैमरा या। हाय मैं हूँ राजकुमार राव और आप मुझे देख रहे हैं बिग मैजिक बिहार झारखंड पे। सर बिग मैजिक। हाय मैं हूँ राजकुमार राव और आप मुझे देख रहे हैं बिग मैजिक पे। मेरा भी चाहिए, मेरा तो चाहिए ना। नमस्कार नमस्कार, मैं हूं हंसल मेहता और आप देख रहे हैं बिग मैजिक बिहार झारखंड। हाय मैं हूं हंसल मेहता और आप देख रहे हैं बिग मैजिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब ये करेंगे कि देखिए सिटी लाइट एक बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि एक रूरल अर्बन माइग्रेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ है कि हमारे गांव से, हमारे छोटे शहरों से जो महानगर की तरफ लोगों ने आना शुरू किया है, उससे हमारे मुल्क की जो एक सोशियोलॉजिकल जो जिंदगी है वो बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्योंकि जब गांव से एक व्यक्ति निकलता है या परिवार निकलता है तो उसकी ज़हनियत वो उस हिंदुस्तान से जुड़ी हुई होती है जो शायद 18वीं सेंचुरी या 17वीं सेंचुरी का हिंदुस्तान है, मगर जब 21वीं सदी के महानगर में आके वो अपनी जद्दोजहद शुरू करता है तो कुछ अचानक उसके अंदर उसको एक ऐसा एहसास होता है कि सब उसका सब कुछ छीना जा रहा है उससे, उसके वैल्यूज, उसके सारे जो उसकी जो सोच जिसके ऊपर वो सालों से चलता रहा है, अचानक उसको लगता है कि कोई उससे छीन रहा है, और उसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की होती। और यहाँ पर इस स्पेस में बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ जो है उन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि जब भी इंसान किसी द्वंद से गुजरता है, किसी पीड़ा से गुजरता है, तो वो एक फिल्म मेकर के लिए वो एक 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 अवसर होता है कि वो वहाँ झाँके और उस पीड़ा को लोगों तक पहुँचाए, और हमने यही किया है। राजकुमार आपकी पहली चॉइस थे इसमें? राजकुमार यादव साहब को हमने शाहिद में देखा और हमको लगा कि बहुत ही ब्रिलियंट एक एक्टर हमारे बीच में अचानक हरियाणा से चल के आ गया है, और उसकी खासियत यह है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है किसी
स्टार्स की परफॉर्मेंसेस का कुछ लेना देना है नहीं, किसी से वो अपना क्राफ्ट उसने प्राप्त नहीं किया है, वो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं और बिल्कुल इतनी सहजता से प्ले करते हैं कि आप बस देखते रहते हैं। तो जब हमने ये सेटेलाइट की कहानी डिसाइड की बनाएंगे तो हमको लगा कि सिर्फ यही व्यक्ति है जो इस रोल को निभा पाए। हंसल साहब राजकुमार की चॉइस थे? हंसल जो है बाद में आया, क्योंकि अजय बहल साहब जो जिन्होंने बीए पास डायरेक्ट की थी वो हमने पहले उनको चुना था, मगर उनकी प्रोडक्शन से कुछ अंडरस्टैंडिंग ठीक तरह हो नहीं पाई, तो ऐसे में हम सोच रहे थे किसको लें। तो मैंने कहा कि हमने शायद देखिए वाई नॉट राजकुमार और अपना हंसल। तो राजकुमार तो भैया उससे छलांगी मार दी, क्योंकि उसकी ट्यूनिंग जो है बहुत ही कमाल की है अंचल के साथ। महेश साहब अगर हम आपके फिल्म का कहें, आपने उस दिन भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कहीं ना कहीं जख्म के बाद जो फिल्म है ये आपके बहुत ज्यादा करीब है, उस तरह का एक इमोशन है, एक पीड़ा है इस फिल्म में। देखिए मुझे लगता है कि आज के दौर में जो सिनेमा गोइंग जो कंज्यूमर है उसको ज्यादा असलियत जो है बर्दाश्त नहीं होती। जख्म के वक्त हमने कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हमने जो खुद जी थी और कुछ देखी थी वो हमने पेश की, तो उसको पुरस्कार तो बहुत बड़े बड़े मिले, नेशनल अवार्ड मिल गया, मगर बॉक्स ऑफिस फिल्म चली नहीं। मैंने देखा है कि जो पिछले 10-15 साल में हमने फिल्में बनाई हैं वो बहुत कामयाब इसलिए हुई हैं क्योंकि वो आपको सपनों की दुनिया में ही बांध के रखती है। सेक्स हो, म्यूजिक हो, वायलेंस हो, इससे आदमी जो है अपने अकेलेपन से बचता है, जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से वो आंख बिचोली खेलता है सिनेमा हॉल में जाके। मगर सेटेलाइट जो है आपको हाँ एक कहानी के ढांचे में कुछ परोसती है जो आपकी कड़वी सच्चाइयां हैं। तो हमने जख्म के बाद में ऐसी जरूरत 15 साल बाद की है, मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है इमोशनली जख्म से की टक्कर की फिल्म है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इसका एक नैरेटिव पंच है। अगर मैं आपकी फिल्मों की बात करूँ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करूँ, एक छोटी सी पुड़िया होती है लेकिन जब खोलो तो धमाका कर देती है, तो कितना बिलीव करते हैं? मुझे लगता है कि जो मेरा हशर हुआ था जब हमने फिल्म एडिटिंग रूम में देखी थी और अकेले देखी थी मैंने बैठकर, हंसल बाहर चक्कर काट रहा था, पता नहीं क्या मेरा रिस्पांस होगा, मेरी आंखें भीगी हुई थी और मैंने ताली बजाई थी, मैंने कहा कि 15 साल के बाद में हमारे प्रोडक्शन हाउस में से कैसी फिल्म आई है जिसको मैं छाती तान के कह सकता हूँ कि साथ बड़ी आप बात करते हैं, रूह वाली फिल्में कहाँ हैं आपकी, आप तो सिर्फ जिस्म के लिए फिल्म बनाते हैं, मनोरंजन के लिए फिल्म बनाते हैं, वो महेश भट्ट कहाँ दफन हो गया। तो हमने कहा कि अब आइए, वो जो लोग शिकायत करते तो दुआई देते थे उनसे कहो कि जाओ देखो ये। देखिए हमने बहुत सारे नए लोगों के साथ काम किया, एक्टर्स एक्ट्रेसेस म्यूजिक डायरेक्टर्स सिंगर्स डायरेक्टर्स, ये सच है कि हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को लॉन्च किया है, मगर उनके खुद का टैलेंट होता है जो उन्हें ले जाता कहीं पर, इनफैक्ट वो हमें कुछ दे जाते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को सवार जाते हैं, हमें एक नई सोच एक नई ऊर्जा से कुछ नवाज के चले जाते हैं, तो मैं उनका आभारी हूँ। मगर मुझे लगता है कि ये कहना कि हमने बहुत सारे लोगों को ब्रेक दिया है ये और उनको स्टार बनाया, ये कम्प्लीटली एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक म्यूचुअल नीड होती है जो हम एक दूसरे की पूरी करते हैं। अब सब आपके घर में खुद एक स्टार है, उसके साथ काम करना। देखिए आलिया ने अपने शर्तों पे अपने पैरों पे खड़े होकर इतनी कामयाबी हासिल की है, वो मेरी बच्ची है, हम जरूरी समझते हैं कि हम एक दूसरे के साथ काम करें। अगर कभी एक ऐसी कहानी हमको लगता है हमें हासिल होगी और हमको लगेगा कि इसके लिए हमें
आलिया को अप्रोच करना चाहिए था, हम जरूर करेंगे, मगर फिर उसको एक्सेप्ट करना या उसको रिजेक्ट करना वो उसकी अपनी डिसीजन पर निर्भर होगा, उसके अपने मैनेजर्स हैं, उसके अपना एक जीवन का एक उसका एक रोड मैप है। अगर उसमें वो हम माई कहानी फिट होगी तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ महेश्वर, आप देख रहे हैं बिग मैजिक। हमारा दो चैनल है, बिहार झारखंड है और एक नेशनल है। आप देख रहे हैं बिग मैजिक बिहार झारखंड। ट्रिब्यूटेड इन many unsaid ways to many, many films like Love, Sex or Dhoka and Titli, with a tremendous cast and a tremendous workshop, a preparation for the actors, which gives the director what he needs. Thank you. सर थोड़ा चिल्लाऊंगी जरा प्लीज सर, लुकिया सर, लुकिया।